પણ એના સાથે જ આગળ વધે કેમ કે અર્નિંગ સીઝન છે અને એના સાથે જ ગઈકાલે મુથૂટ ફાઇનાન્સે પોતાના પરિણામ રજૂ કરી દીધા છે અને તેના ઉપર જ વધુ વાતચીત કરવા માટે હવે આપણી સાથે કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અહીંયાથી મિસ્ટર એલેક્ઝાન્ડર મુથૂટ જોડાઈ ગયા છે. સર હેલો, વેલકમ ટુ ધ શો એન્ડ વેરી ગુડ મોર્નિંગ. સબસે પહેલે તો હમ યે જાનના ચાહેંગે ઇસ ક્વાર્ટર મેં જિસ તરહ સે રિઝલ્ટ્સ દિખ રહે હૈ વો બહોત અચ્છા હૈ, લેકિન टॉप लाइन और बॉटम लाइन के अलावा अगर हम असली क्वालिटी फ्रंट पर देखें तो वहां पे थोड़ी कमी है, क्या वजह उसकी रही थी? या ये इसका वजह ये है, हमें पॉलिसी, हमारा पॉलिसी थोड़ा बदल दिया है, हमें पॉलिसी थोड़ा चेंज किया है. वो पॉलिसी का चेंज है, हम एक क्या है, हमारा कस्टमर्स का लोन जो ऑक्शन के अलावा हम उसको रिलीज करने के लिए और ऑल्सो रिन्यू करने का हेल्प कर रहा है. इसकी वजह से हम ऑक्शन नहीं कर रहा है. ये ऑक्शन करेगा तो कस्टमर्स को बहुत लॉस होगा और कंपनी को भी कंप्लीट इंटरेस्ट रियलाइज नहीं हो सकता है. अगर ऑक्शन करेगा तो प्रिंसिपल पूरा पूरा मिलेगा और पार्ट ऑफ इंटरेस्ट ओनली मिलेगा. अगर ऑक्शन नहीं कराते, कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है to come and renew the loan or to close the loan, हमारा पूरा interest मिलेगा. ये है बड़ा maximum कारण हमारा profit आगे बढ़ गया है. पिछले last quarter this time our interest collection was 1,567 and this quarter, sorry, and last quarter it was only 1,360. So there is an increase of 200 crores during the quarter, which is mainly because of this policy of helping customers to pay the interest and close the loan instead of auctioning. Auctioning ke wajah se customer ko aur company ko bhi loss hota hai. So this is the one of the main reason. Because of this, the NPS are going up. But the NPS are only technical. Hamara pura is saalon mein हमें एक रुपए का भी लॉस अभी तक नहीं हुआ है एनपीए की वजह से. एनपीए में हमारा 100% प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है. हमारा इंटरेस्ट भी, गुड पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, मे बी 50% और 60% ऑफ इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड बाय दिस इवन विद द एनपीए. सो एनपीए हमारे लिए कोई असर नहीं होता है, ये जस्ट टेक्निकल एनपीए है. बिल्कुल सर, टेक्निकल है, लेकिन ये समझना भी चाहेंगे कि कब तक ये स्टेबलाइज होते हुए हम लोग देख पाएंगे, सुधार कहाँ से देख पाएगा. और एक और चीज जो मैं समझना चाह रही थी, लोन ग्रोथ इस बार थोड़ी म्यूटेड दिखी है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करने जाए तो वहां पर भी थोड़ा प्रेशर तो बनते हुए देखा है हम लोगों ने. कब तक ये कम्प्लीट जो सिनारियो है वो हम लोग फाइनली न्यूट्रलाइज होते हुए देख पाएंगे? सो एनपीए के मेरा ख्याल से 2-3 क्वार्टर से हम जो अभी न्यू पॉलिसी लिया कर रहा है, कस्टमर्स को जाके उसके घर में मिलके उनको बोल के इनका रिलीज करने के ये स्टेप से, ये हमारा जो स्टेप्स लिया है उसका पूरा का पूरा इफेक्ट 2-3 क्वार्टर्स में होगा और टेक्निकल एनपीए जो हमें बोल रहे हैं वो भी कम होगा. अगर हमारा कंसोलिडेटेड एयूएम है वो 30,700 हो गया है और इसमें 92% गोल्ड लोन है और 8% हमारे हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस का है. हमारा प्रोग्राम यह है इस साल के एंड ऑफ द ईयर दिस विल बिकम 10% गोल्ड लोन 90% और अदर बिजनेस 10% एंड नेक्स्ट ईयर अगला साल वी वांट टू मेक इट 85% गोल्ड लोन एंड 15% अदर प्रोडक्ट्स. सो वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर पोर्टफोलियो ऑल्सो एंड इन गोल्ड लोन we would like to see a growth of 10 to 11% standalone gold loan growth this year. Today we are having only about 8% growth. By end of the year we should see 11% growth in the gold loan portfolio itself. All right, so you are expecting the gold loan portfolio to grow. इसके अलावा सर अगर हम yields की बात करें तो जिस तरह से अभी बहुत ज़्यादा serious concern yields का आता हुआ दिख रहा है हमें Indian markets में भी, क्या लगता है कितना ज़्यादा impact आपके results को आने वाले quarters में इसका हो सकता है? या हमारा yield है अभी अच्छा yield है, 20% yield है और आने वाले quarters में भी हमें ये 1%
20-21 और उसी रेंज में हमारा यील्ड होगा। तो इस तरफ से इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम बढ़ रहा है आजकल, मेरा ख्याल से पिछला एक साल से 125 बेसिस पॉइंट्स कम ही हुआ है, अभी तो स्टेबलाइज हुआ है। मेरा ख्याल से आगे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और नीचे नहीं होगा, जाएगा तो ये स्टेबलाइज होगा। तो हमारा यील्ड जो आपने जो पूछा है वो 2021 में हम कोशिश करेंगे उसी तरह में रखने का। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंप्लीट डिटेल्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स हमारी टीम की तरफ से कि आने वाला क्वार्टर और भी बेहतरीन साबित हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अने साथ एक विराम पर लई लिया, विराम बाद आईने बाकी क्वेरीज पर नजर करीशू आपणे।